तो गाइस आज है संडे और सुबह की फटीक हो चुकी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर पहाड़ी अंग्रेज व्लॉग्स में। तो दोस्तों आज सुबह संडे की जो फटीक होती है, सफाई वगैरह, घास वगैरह काटना, पटना, फेंकना, वो सब हम करके आ गए। तो अभी होगी बैरकों की सफाई और बाकी काम। तो मेरा एक काम था कि मैंने अपनी न्यू वर्दी सिलवाने के लिए दे रखी थी, तो जिसके पास मैंने सिलवाने को दे रखी है, दर्जी, उन्होंने उसका मतलब उसको ख़राब कर दिया था। सिलाई बहुत टाइट वर्दी सिलवा रखी है उन्होंने, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने ठीक करने के लिए दी थी। अभी जाकर देखते हैं कि वो ठीक हुई है कि नहीं। सर, कर दी मेरी वर्दी ठीक आपने? सर, मैं कहा मेरी वर्दी ठीक कर दी आपने? भाई सबकी पैंटें छोटी बड़ी। तो गाइज ये है मेरी न्यू वर्दी, अभी इसको पहन के देखूंगी, अगर अब ठीक हुई तो ठीक है, वरना तब। सो गाइज ये है मेरी न्यू वर्दी अभी, तो मैं जब इसको पूरा अच्छे से पहनूंगी तब मैं आपको एक बारी फोटो भी शेयर करूंगी और वीडियो भी डालूंगी, क्योंकि अभी दिन का बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। तो अभी जस्ट मैंने इसकी फिटिंग चेक करने के लिए इसको पहनना था। पहले ये बहुत टाइट थी, फिर मैंने इसको थोड़ा ढीला करवाया, तो मतलब बाद में जब ड्यूटी होगी ना तो इसी वर्दी को पहन के जाएंगे। फिलहाल फिटिंग के लिए इसको चेक किया मैंने। तो ऐसी ऐसी बात है गाइस, और यहाँ पे पढ़ने लग गए फिर से, क्या पढ़ के, मतलब इन्होंने क्या ही हासिल करना है। सो गाइस ये अभी दिन के 2 बजे हम लोग हेयर कट करवाने के लिए आए थे, तो ये हेयर कट मैंने करवा लिया कुछ इस तरह से, और कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बता देना। तो ये जो सेटअप आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये भी सारा सरकारी है, यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में कटिंग हो जाती है। तो गाइस संडे शाम को जो हमारा फॉल इन होता है वो होता है इस ड्रेस में, और अभी हम मतलब फॉल इन से वापस आ गए हैं, और जल्दी हमारी पीओपी होने वाली है, और मैं आपको बताती हूँ कि पीओपी पहले होता क्या है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी YouTube पे अभी कुछ दिन पहले, तो उस पर एक कमेंट आया था कि ये पीओपी क्या होती है, तो मेरे को ये ना थोड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन लगा कि नहीं यार, अब अगर मान लो मैं पहले HP पुलिस की तैयारी कर रही होती, तो उस टाइम मेरे को बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में मेरे को नहीं पता था, तो उस टाइम शायद मेरे को भी नहीं पता था कि पीओपी क्या होती है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने इस क्वेश्चन को अपने साथ रिलेट किया कि अगर मैं भी पुलिस में आना चाहती हूँ या पुलिस की नौकरी करना चाहती हूँ या इन सब चीज़ों का मुझे शौक है, तो इनके बारे में पूरी जानकारी मेरे को होना ज़रूरी है। तो पीओपी गाइज हमारी होती है पासिंग आउट परेड, जब हमारी पूरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, मतलब 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, जितना भी टाइम पीरियड ट्रेनिंग में लगता है, जैसे ही वो ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, तो लास्ट में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हमारी एक बहुत बड़ी परेड होती है, परेड यानी कि जिसमें आपने देख रखा होगा जैसे 26 जनवरी की परेड होती है, तो उसी तरह की परेड एक हमारी होगी, वो होगी पासिंग आउट परेड यानी कि POP। तो उस दिन गाइज पासिंग आउट परेड, परेड के अलावा बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत ही क्रिएटिविटी होगी PTC ड्रो के ग्राउंड में, जो कि मतलब आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि हम लोगों को अभी देखने के लिए भी बहुत अच्छी लग रही है। तो आजकल हम POP की ही तैयारी कर रहे हैं, उसमें परेड की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा जो कुछ भी मास पीटी, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ POP वाले दिन होगी उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यही होती है POP, जो कि आपने 26 जनवरी, 15 अगस्त या किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार के दिन TV पर देख रखी हो, जिसमें वर्दीधारी एक मार्च पास टाइप करते हैं, तो वही होती है POP। और POP वाले दिन ही जो रिक्रूट ऐसे होते हैं, जो सिपाही ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे साल में बहुत अच्छा काम, उत्कृष्ट कार्य किया हो,
तो उन्हें वहाँ पर प्राइज भी दिए जाते हैं, पुरस्कृत किया जाता है, तो यही होता है पीओपी। तो मैं फिलहाल किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ इसलिए कि ताकि मैं उस दिन पूरी पीओपी की एक अच्छी सी वीडियो तैयार कर सकूँ, ताकि पूरा हिमाचल उस वीडियो को देख सके और सभी पेरेंट्स और सभी जितने 1101 जवान यहाँ पर है वो बाद में कई सालों तक उस वीडियो को देखे और अपनी यादों को ताज़ा करें। इसलिए एक जवान है जो आपके लिए हर चीज़ के लिए सैक्रिफाइस करता है, आप एक लाइक और एक कमेंट नहीं कर देते और एक सब्सक्राइब नहीं कर देते हो मेरे चैनल को, यार इतना तो करो। तो अभी हम आ गए हैं ग्राउंड से, तो अभी चलते हैं खाना खाने।